सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और OnePlus 60 के लिए एक आज नया स्टेबल अपडेट रोल आउट किया है OnePlus ने, जिसका नाम है OxygenOS 9.0.10। तो आज आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये इस पर्टिकुलर अपडेट में क्या नए फीचर्स दिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपको कोई भी सवाल या डाउट रहे हो कमेंट में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। ये OnePlus 60 का नया अपडेट OxygenOS 9.0.10 और ये आज ही रिलीज हुआ है, तो इंडिया में आते आते इसको लगभग ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन या कभी कभार एक हफ्ता भी लग जाता है। लेकिन आप ये इस पर्टिकुलर अपडेट को VPN के द्वारा इमीडिएटली इंस्टॉल कर सकते हो। और ये चेंज लॉग दिए, हम लोग चेंज लॉग भी देखते हैं और VPN का मेथड भी देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। अगर पहले आपको सिस्टम्स में जाके देखना पड़ेगा कि आपको ये अपडेट पॉपअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने VPN कनेक्ट किया था इसलिए ये अपडेट दिखा रहा है, लेकिन शायद आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये अपडेट नहीं दिखेगा, तो आपको VPN डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई भी VPN एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया है सुपर VPN एप्लीकेशन। ये सुपर VPN का एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। एक बार अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपको यहाँ सिलेक्ट लोकेशन करके जर्मनी रीजन को सिलेक्ट करना है और फिर कनेक्ट कर देना है। एक बार आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको वापस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है और इधर सिस्टम अपडेट में जाके ये आपको 154 MB का अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर आपको VPN के मेथड से डाउनलोड नहीं करना है तो आप 5-6 दिन वेट कर सकते हो, ऑफिशियल अपडेट आपके सिस्टम अपडेट में आ जाएगा OTA द्वारा। लेकिन मैंने कभी VPN मेथड से कुछ इश्यू नहीं फेस किया, VPN मेथड भी काफ़ी सेफ मेथड होता है। तो चेंज लॉग हम लोग देख सकते हैं कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया है दिसंबर में, अगेन वाईफाई स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, फेस अनलॉक को इम्प्रूव किया है और जनरल बग फिक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट उन्होंने कर दिया है। अगेन अगर हम लोग कैमरा की बात करते हैं तो उन्होंने नाइटस्केप मोड को इम्प्रूव कर दिया है, तो डेफिनेटली लो लाइट फोटोज में जो नाइटस्केप मोड दिया हुआ था उसमें अगर और भी इम्प्रूवमेंट आती है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं फटाक से ये इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूँ और फिर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सिस्टम अपडेट कंप्लीट कर दिया और जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉपअप मैसेज भी आ गया सिस्टम हैज़ बीन अपडेटेड करके। तो सीधा चलते हैं सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, और आप देख सकते हो ये जो करंट वर्जन है वो 9.0.10 का है। अगर एंड्रॉयड वर्जन में जाओगे तो आपको दिसंबर 1 का सिक्योरिटी पैच मिलेगा जो कि अभी लेटेस्ट है, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। और इसके अलावा अगर हम लोग चेंज लॉग देखते हैं तो उन्होंने बोला है कि वाईफाई में स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगेन फेस अनलॉक में उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिया है, तो फेस अनलॉक एक्चुअली OnePlus का काफ़ी फास्ट है, लेकिन उसमें भी अगर इम्प्रूवमेंट किया तो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखती डायरेक्टली फेस अनलॉक से, कितना फास्ट होता है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, मतलब फेस अनलॉक तो बेस्ट है, OnePlus का कोई इशू नहीं है। और जनरल बग फिक्सेस और इम्प्रूवमेंट किया है, और कैमरा में नाइटस्केप मोड में इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने, तो एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नाइटस्केप मोड आपको कैमरा में मिल जाएगा, पहले क्या होता था नाइटस्केप मोड इतना बेटर नहीं काम करता था, मे भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, कभी कभी लाइट ज़्यादा एक्सपोज हो जाती थी या फिर कभी कभी डिटेल्स मिसिंग थे। तो डेफिनेटली टेस्ट करेंगे हम लोग लो लाइट सिचुएशन में कैसे काम करता है, और आप भी मुझे बताना कि कैमरा में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है या नहीं आती है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप कैश को डिलीट कर देना, इसके लिए आपको जाना है सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन में और एडवांस रिबूट को आप एनेबल कर देना, और एडवांस रिबूट को एनेबल करने के बाद लॉन्ग प्रेस करके इधर आपको रिकवरी मोड का ऑप्शन आएगा, उधर जाके कैश को डिलीट कर देना और फिर 2 दिन इस पर्टिकुलर अपडेट को सेटल डाउन होने देना, और फिर 2 दिन के बाद देख लेना कि आपको कोई बैटरी लाइफ में इशू आता है या फिर और कोई इशू अगर आता है। तो अगर कुछ इशू रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और हमेशा की तरह कोई भी इशू रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।